का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो नया सिलेबस है वो आ चुका है, ठीक है ना, 2022-23 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और मज़े की बात यह है कि सिलेबस को रिड्यूस करके दिया गया है इस बार भी, ठीक है। तो इस बार भी अगर रिड्यूस करके दिया गया है तो, और पता है कि जो कोविड है ना, अभी तो फिलहाल कंट्रोल में है, कि कोविड का जो माहौल है वो अभी के सुनने में आ रहा है कि आगे चल के और बढ़ सकता है या सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पूरा ख़त्म अभी तक नहीं हुआ है ना, तो कुछ कह नहीं सकते, इसी वजह से 30% सिलेबस को इस बार भी रिड्यूस किया गया है, ठीक है। इस बार भी रिड्यूस किया गया है। जो सिलेबस 2021-22 के बोर्ड एग्ज़ाम में जो हमने नहीं पढ़ना था, वो हमें इस बार भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अभी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, अगर पुराने वीडियोस देखेंगे, अपने दोस्तों से जो आपके सीनियर्स हैं उनसे भी बात करेंगे, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि आप पिछले बार क्या क्या नहीं था, बट टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैं फ़िलहाल सिलेबस बता दे रहा हूँ कि क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अलग NCERT में टिक भी करा दूंगा आप लोगों को कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो और बेहतर तरीके से बता देंगे, NCERT में बुक में भी टिक करवा देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। तो फिलहाल बोर्ड एग्ज़ाम की बात करते हैं, 9th और 11th का तो अलग से वीडियो बना दूंगा, 10th और 12th की बात करते हैं। जैसे हिंदी की बात करें, ठीक है, हाँ हिंदी है, अंग्रेजी, सारे सब्जेक्ट हैं। जैसे आप इसके लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी टॉप कर सकते हैं। जैसे ये डाउनलोड पे जाना है, ये लिखा है हिंदी, ये डाउनलोड कर दिया मैंने, डाउनलोड करते ही यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2021-22, ठीक है। 2021-22 इसलिए लिखा है, देखो आप अगर यहाँ पर जाएंगे तो पूरा लिखा सिलेबस ऑल सब्जेक्ट क्लास वाइज सेशन 2021, ये चीज़ें, ठीक है, 2022 का और 23 का जो था सेम टू सेम चीज़ है, क्लियर, ये आप देख पा रहे हैं, समझे, आपके सामने है। लेकिन क्योंकि पिछला जो था वही था, अब इन्होंने थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आलसपन देख लो बेटा, यहाँ पर इनको 22-23 लिखना चाहिए था, और इन्होंने 21-22 वाला जो पिछला वाला था वो कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि कुछ भी उन्होंने कम वम तो किया नहीं है, जो जितना कम था पहली बार वही सिलेबस इस बार भी पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर बेटा थोड़ा सा उनको मेहनत करना चाहिए था, 21-22 की जगह यहाँ पर 22-23 लिखना चाहिए था, चलो ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया कि 30% सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, ठीक है। आपको क्या है क्या नहीं पढ़ना वो देखिए, यहाँ लिखा है कोविड महामारी के कारण शैक्षिक क्षेत्र विद्यालयों में समय से पाठन पठन कार्य ना होने की स्थिति में समिति द्वारा निम्नवत 30% कम किए जाने की है। आपको गद्य में ये नहीं पढ़ना है, क्या लिखूँ, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर, ये नहीं पढ़ना है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती, ये नहीं पढ़ना है गद्य में। काव्य में ये नहीं पढ़ना है, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ सिंह की नदी, और संस्कृत में केन किंग वर्धते, ठीक है, और ये सब नहीं पढ़ना है, समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि, संधि वृद्धि, सर्वनाम, ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस में है वो आपके ये हैं, जैसे हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक, जो जो पढ़ना है वो आपके स्क्रीन पर बैठा, आप स्क्रीन शॉट लेते रहिए, ये आपका पूरा सिलेबस है, ये चीज़ पूरी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसका आप सिलेबस, ये है पूरा सिलेबस आपका, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ पूरा लिखते लिखते बोल बोल के बोलूँगा ना, तो ये वीडियो कम से कम 2-3 घंटे की बन जाएगी, ठीक है ना, इतना बड़ा सिलेबस है। ऐसे हिंदी हो गया, ठीक है, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, कहाँ है भाई मैथ्स, ये है मैथ्स, गणित, ठीक है, गणित की बात करूँ तो देखिए, जो आपको नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, बहुपद आपके इस चैप्टर में नहीं है, समांतर श्रेणी आपके चैप्टर में नहीं है, 10वां चैप्टर वृत्त के स्पर्श रेखा वाला, ये आपके इस आपका ये चैप्टर भी नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। त्रिकोणमिति पूरा पढ़ना है, प्रायिकता भी आपके चैप्टर में नहीं है, जो 15 चैप्टर है प्रायिकता वो भी नहीं है, ठीक, बाकी सभी चैप्टर आपको पढ़ने हैं और सारा सिलेबस में है, अगर मैं गणित की बात करूँ शॉर्ट में, ठीक, ये चीज़ भी हो गई। और आते हैं, जैसे ये हो गया ना बेटा, गणित की बात हो गई, अब विज्ञान पे भी बात बता देता हूँ मैं आपको, मेन अभी जो मेन चीज़ है वो आप जान लो, कहाँ है भाई विज्ञान, विज्ञान भाई दिख जा, मराठी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, नेपाली, हाँ ये देखो होम साइंस आ गया, ठीक है। विज्ञान में आपको कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, धातु में वो धातु के गुणधर्म, आई नो, ठीक है, ये वाला आपको नहीं पढ़ना है। तत्वों का वर्गीकरण, मतलब 5वां चैप्टर नहीं पढ़ना है,
ठीक है, तीसरा और पांचवा नहीं पढ़ना है, जंतु तथा पौधे में नियंत्रण समय, सातवां जो चैप्टर वो नहीं पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधन ऊर्जा के जो स्रोत हैं, चौदवा चैप्टर पर 15वां चैप्टर वो नहीं पढ़ना है, और 11वां चैप्टर जो है बेटा लेंस की क्षमता प्रकीर्णन ये सब नहीं पढ़ना है, फिर विद्युत का प्रभाव वाले चैप्टर में ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्त धारा से लाभ, घरेलू परिपथ ये सब नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। कौन सा कौन सा चैप्टर है रस, पहला चैप्टर पूरा पढ़ना है, दूसरा पूरा पढ़ना है, तीसरा तीसरा भी पढ़ना है, लेकिन ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, धातु एवं अधातु के गुणधर्म, अनेकों का निर्माण तथा गुणधर्म ये सब टॉपिक नहीं आएंगे, चौथा पूरा पढ़ना है, पाँचवा पढ़ना है। तो पाँचवें में क्या क्या पढ़ना है, जो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, मेंडलीव की अवसरणी क्या थी, आधुनिक अवसरणी क्या है, उसके संयोजकता क्या से निकाली जाती है, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, धात्विक और धात्विक गुण क्या होते हैं, ठीक है। छठा चैप्टर पूरा पढ़ना है, सातवां चैप्टर नहीं पढ़ना है, आठवां चैप्टर पूरा पढ़ना है, नवां चैप्टर पूरा पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद दसवां पूरा पढ़ना है, ग्यारहवां नहीं पढ़ना है, बारहवां पूरा पढ़ना है, तेरह पूरा पढ़ना है, चौदह भी पूरा पढ़ो, ठीक है। पंद्रह सोलह बहुत आसान चैप्टर है, चौदह पंद्रह पर्यावरण पर आधारित है, तो एक एक बार पढ़ोगे आपका हो जाएगा, ठीक। ये सिलेबस है, तो ये सिलेबस आपका पूरा आ चुका है, जो सिलेबस आपका पिछले था ना बेटा वही सिलेबस है, तो इसकी जो लिंक है ना बेटा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो बाकी सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सर ना नहीं है, हमें हमारे एनसीईआरटी बुक में टिक करवा दो सब्जेक्ट वाइज, तो मैं बेटा वो भी करवा दूंगा, अगर आप बोलोगे कमेंट में बता देना कि आपको क्या चाहिए। ऐसे क्लास ट्वेल्थ में आ जाते हैं, जैसे क्लास ट्वेल्थ का कहाँ है बेटा, ये मैं मैथ्स की बात करता हूँ क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ, क्लास ट्वेल्थ वालों को मैथ्स वगैरह में पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ देखो बेटा ये मैथ्स का सिलेबस है आपका, ठीक है। संबंध एवं फलन पूरा पढ़ना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पूरा पढ़ना है, आव्यूह पढ़ना है, सारणी पढ़नी है, ठीक है। फिर पाँचवा चैप्टर पूरा पढ़ना है, छठा पढ़ना है, सातवां पढ़ना है, आठवां पढ़ना है, नवां पढ़ना है, इस आपके क्लास ट्वेल्थ में तो बेटा सभी चीज़ें हैं। और काटे गए जो चीज़ हैं बेटा 30% क्या कम किया गया, संबंध एवं फलन में जो आपका संयुक्त तो फलन है, फलन का व्युत्क्रम, द्विआधारी सक्रिय, ये आपको नहीं पढ़ना है चैप्टर में, ठीक है। दूसरे चैप्टर में क्या नहीं पढ़ना है, प्रतिलोम त्रिकोण फलनों के आलेख जो होते हैं, फलनों के प्रारंभिक जो गुणधर्म होते हैं वो नहीं पढ़ना है, और फिर सतत रोले और लैंग्रांज प्रमेय जो होता है, प्रश्नावली 5.8 वो नहीं पढ़नी है, ठीक है। सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, सदिशों के अधिस्त्रिक गुणनफल जो होते हैं वो नहीं पढ़ना है, और ज्यामिति में क्या नहीं पढ़ना, दो रेखाएं, दो तलों और एक रेखा के बीच का जो कोण वाला जितने भी क्वेश्चन है वो नहीं पढ़ना है। प्रायिकता में आपका माध्य निकालने के लिए, प्रसरण निकालने के लिए, बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है प्रायिकता में। तो ये क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस है मैथ्स का, डोंट वरी आपके साथ मैं हूँ बेटा, आप बाकी चीज़ों का भी देख सकते हैं, लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पहले आप खुद एनालाइज कर लो, फिर भी कन्फ्यूज़न रह जाती है तो कमेंट कर देना, मैं अलग अलग सब्जेक्ट की एनसीईआरटी में टिक करा के वीडियो बना दूंगा।